तो गाइस हम लोग अभी सुल्तानगंज पहुंच चुके हैं और हमारा हाल बहुत बुरा हो चुका है। मतलब इतना थक गया यार, मतलब पहला बार राइड किया लॉन्ग और पूरा थक चुके हैं। उदित का भी हाल देख सकते हो, ठीक है। और अभी हम लोग पत्थर पहाड़ पे खड़े, पीछे दिखाते, पूरा पानी पानी है, पानी बहुत हद तक यहाँ पे बढ़ चुका है, ठीक है। और इधर अजबी ना टेम्पल आप देख सकते हो, ठीक है। आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देंगे। बाकी यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा इशू मुझे लग रहा है, इसलिए ब्लैक ब्लैक हो रहा है फेस में। तो आपको पानी दिखाते हैं, थोड़ा सिनेमेटिक शॉट दिखाते हैं, यहाँ का एक नंबर सिनेमेटिक शॉट बन सकता है। और पानी तो बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए पूरा बांस लगा हुआ है, घेरा हुआ है, ताकि आप लोग उसके बाद में जाना नहीं। तो आपको कुछ सिनेमेटिक शॉट दिखाते हैं। अभी ऐसा क्या है ना, हम लोग यहाँ पे रुके हैं गन्ना का जूस पीने के लिए। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, मतलब धूप बोले तो एक्सट्रीम लेवल पे। अभी छाँव में बैठे थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, मतलब गाड़ी चलाते चलाते पूरा एकदम हाल बेहाल हो गया था अभी हम लोग का। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखो बाइक लगा के उधर भैया गन्ना का जूस निकाल रहे हैं। तो हम लोग अभी गन्ना का जूस पिलाएंगे, तो पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। लेकिन बहुत ज़्यादा धूप है, तो सोचे थोड़ा सा चिल हो लेते हैं, बहुत ज़्यादा धूप है। तो भैया अभी हम लोग गन्ना का जूस पिलाएँ, गन्ना का जूस पीते हैं, पूरा निकाल रहे हैं। इधर लीसो लगी पड़ी है, लीसो का बहुत ज़्यादा इंजन गर्म हो चुका है, क्योंकि तकरीबन 80 किलोमीटर से रोका ही नहीं है। जब भी रोक दिए ताकि ये थोड़ा सा इंजन भी डाउन हो जाए, ठंडा आ जाए थोड़ा सा, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा देवगढ़ में रुकेंगे। फिर कल सुबह पूजा पाठ करेंगे। और पीछे उदित रुक के आपको दिखा, बोलना चाहोगे? यही बोलना चाहेंगे कि आज इतना ज़्यादा गर्मी है, क्या करें, बाबा बुलाए तो बाबा के दरबार पे। अरे बहुत खूब, भैया का सुन रहे हैं ना, बाबा के नाम पे चल दिए, मतलब गर्मी हो धूप हो कुछ हो। इधर कुछ और लोग भी जा रहे हैं, यहाँ पूछताछ चल रहा है कि किधर से जाना है, तो वही बता रहे हैं। एकदम पूरा एक बुलेटो में कोच दिए हैं पकड़ के, मतलब भर दिए हैं भाई साहब, इतना बैठ के जाते हैं, बताओ। आज तक सुना था लोगों से कि भक्ति में शक्ति होती है, बट आज देख लिया, मतलब आज तभी से 10-15 मिनट पहले मैं बोल रहा था बहुत गर्मी है, वीडियो में आपने सुना होगा कि मैं हर टाइम बोल रहा बहुत गर्मी है, गर्मी है, थोड़ा बारिश पड़ जाए या फिर छांव आ जाए या हवा चल जाए। तो भगवान ने मेरे को ज़्यादा जल्दी सुन ली, इधर देख लो बारिश शुरू हो चुका है और हम भींग भी चुके हैं, मतलब हम और उधर भींग चुके हैं, इधर उधर खड़ा है, इधर लोग भींग चुके हैं। आपको दिखाते हैं कैसा बारिश पड़ रहा, मतलब एक्सट्रीम लेवल पड़ने लगा, उसको कहते हैं भक्ति में शक्ति है। देखिए कितना जोर से यहाँ पे बारिश पड़ रहा है, मतलब भगवान भोलेनाथ ने कुछ ज़्यादा जल्दी सुन लिया हमारा। तो इधर हमारी लिस्टो खड़ी है, देखिए पूरा कुछ कभी धुल गई, पूरा जितना गंदा हुए थे सबको धुल दिया भगवान, हर जगह बारिश ही बारिश है। अब देखते कब रुकती है, हम लोग यहाँ से कब निकलते हैं। इधर ही मुझे कुछ बोलना चाहोगे? भगवान ने सुन ली तुम्हारी, बहुत गर्मी लग रहा था ना, भगवान सुन लिए हैं। चलो वेट करते हैं छूटने का, फिर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से अब 40 किलोमीटर बचा है। हम लोग रात को यहाँ पे पहुँच गए थे, रात में शाम हो गया था, 5 बजे कम हो गया था पहुँचे थे, और इतना ज़्यादा यार थक गए थे, मतलब रास्ता भर बारिश में भीग के आ लगाया, उसके बाद इतना थका हुआ था, फीवर लग गया, सर दर्द कर रहा था, तो फटाक से रूम लिया और रूम में आके सो गए। और ऐसा आ रहा है सावन है तो रूम भी नहीं मिल रहा था, जो रूम मिला उसमें एडजस्ट कर लिया। और अभी सुबह के 3 बजे गए और हम लोग अभी यहाँ निकलने वाले हैं कि जल चढ़ाने के लिए चढ़ा पर चले जाएंगे, उसके लिए फटाफट से नहाना है फिर निकलना है। फोन लेके नहीं जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि सावन का टाइम बहुत ज़्यादा गिर है, इसलिए अगर फोन गिर भी सकता है, खो सकता है, टूट भी सकता है, कुछ भी होता है। आपको बाहर दिखाते कितना ज़्यादा अंधेरा है, बाहर कैसी यहाँ पे इतना ज़्यादा।
इतना ज्यादा अंधेरा है तो अभी हम लोग बेड पे लेटे हुए और मेरा आवाज़ से लग रहा है कितना ज्यादा मेरा तबियत खराब हो चुका है, बहुत हद तक तबियत खराब हो गया है। मेरे तरह उदित का जो मतलब हाथ में उसका सिम बहुत खराब था, बिना दवाई के उसको नहीं हुआ तो दवाई लाए, फिर हम लोग दवाई करके दोस्त हो गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग का हाल खराब हो गया। तो अभी उठते हैं फिर नहाते हैं फिर निकलते हैं मंदिर, आपको मंदिर का शॉट दिखाएंगे लास्ट में जब निकलना होगा तो वहाँ पे शॉट्स बनाएंगे उसका भी, बट अभी नहीं बना रहे क्योंकि और इस पर चैनल बंद करते हैं उसके बाद कुछ करेंगे। तो चलो भाई निकलते हैं और हाल बेहाल हो चुका है। देख लो यही हम लोग का रूम है और ये रूम ज़्यादा उतना बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा रूम है, ठीक है। ये यहाँ एक बेड दिया है, इधर टीवी दिया है, इधर गेट है, उधर खिड़की है, इधर वॉशरूम है। और ये इस बेडरूम का लिया है अपने को 500 रुपया लिया गया है, 500 रुपया वन नाइट का और पार्किंग अलग लिया मेरे से, मतलब टोटल 550 लिया गया। यहाँ से 550 ले गया अपन, यहाँ पे स्टे किया रात में। उसके बाद क्या है कि ये जो रूम मिला ये फोर्थ फ्लोर पे है, फोर्थ फ्लोर पे होने के कारण से और दिमाग खराब है, मतलब ऊपर चढ़ना उतरना माई साहब तो ऐसे थकान ऊपर दे, फोर्थ फ्लोर चढ़ो फिर बॉडी की ऐसी की तैसी हो गई। बट कोई नहीं, आए तो फिर जगह जाएंगे, सोचे थे आना है तो आ सकते हैं, चलते हैं अभी तो उधर, फिर निकलना है यहाँ से, निकलेंगे अपन भाई बस 11 बजे निकलते हैं। चलो मिलते हैं आपको उसका मंदिर। तो गाइस अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, अपना एकदम मस्त टिप टॉप हो गए, इधर उधर है। तो अब हम लोग चल रहे हैं जलार्पण करने के लिए, तो वो अभी हम लोग जाते हैं जलार्पण करके आते हैं, फिर आपको ये लेके जाएगा वहाँ पे, वीडियो में दिखा देंगे सील मंदिर का सबको दिखाएंगे। लेकिन पहले हम लोग जलार्पण करके आते हैं कि कुछ टाइम फोन लेके जाना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो फोन टूट भी सकता है या खो जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग जाते हैं जलार्पण करके आते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं।